हेलो एवरीवन, नया साल आने वाला है 2020। इस साल पे कुछ नया करने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है जो कभी सोची भी नहीं हो, और मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप तक ला पाऊँ। अपनी हर जो बात आप तक कहनी है, अपनी हर क्रिएटिविटी को आप तक पहुँचानी है, वो सामने लाऊँ। फिलहाल चाहे कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। जितना भी हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, स्ट्रगल हो रहा है, उतना असल में स्ट्रगल नहीं होता। वो हमारा माइंडसेट कह रहा होता है कि हम बहुत मुसीबत में हैं, पर अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से लेकर चले ना, तो हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपने काम पर और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना हसीन पल है ये जीने का। हम जहाँ पर भी है, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो, अगर हम सही तरह से फोकस करें ना किसी एक चीज़ पर, जो भी चीज़ हमें चाहिए लाइफ में, बस वही चीज़ है लाइफ में यार, करने को और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। अगर हम एक एक पल का मज़ा लेने की कोशिश करें तो उससे बेहतर और कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती। मैं अपने लिए जितना भी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, उतना ही आप सभी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी कितना अच्छा महसूस करते हो जब आपको कोई मोटिवेट करे, जब आपको कोई इंस्पायर करे कुछ करने के लिए। मैं अपने लिए अपनी तरफ से, चाहे मेरे को कुछ आता भी ना हो, एक सबसे गजब की बात बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने एक वीडियो देखी थी, इंडिया में चलता कैसे है सिस्टम, देखो एजुकेशन किस तरह से देखते हैं लोग। हु इज़ द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, लोग पूछेंगे, और कई लोगों को नहीं मालूम होगा तो उनको दबाने की कोशिश करेंगे वही लोग कि जो सवाल पूछ रहे होते हैं, भाई तेरे को ये भी नहीं आता, तेरे को ये भी नहीं आता। यार ज़रूरी थोड़ी ना हर क्वेश्चन का जवाब पता हो आपको, हर क्वेश्चन का जवाब गूगल देने वाला है यार। मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं आज के टाइम में। अगर आपको मेमोराइज़ करना पड़ गया इस लाइफ में, तो यार आपके लिए, यार मैं सही बता रहा हूँ यार, ज़रूरत नहीं है जानने की कौन है हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट, कौन हमारा सेकंड प्रेसिडेंट है, कौन अच्छा है जीके में, जनरल नॉलेज में जो अच्छा है उसको अच्छा होने दो। अगर आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो, क्या पता आप ऐसा काम कर सकते हो जो आप बेहतर तरीके से चला सकते हो। जैसे कि आप अगर डेली एक गरीब इंसान की मदद करते हो, किसी ना किसी चीज़ में हेल्प करते हो, क्या पता आपको उस चीज़ की खुशी कोई और ना दे सके। ज़्यादातर लोग कुछ इस तरह से जज करते हैं लोगों को कि अगर वो जीके में अच्छा नहीं है, जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है उसकी, या फिर किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने में वो अच्छा नहीं है, तो वो अनएजुकेटेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ आप दिल से करो, जो भी चीज़ अच्छे मन से करो, जो भी चीज़ सही तरह से करोगे ना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने कंट्री के लिए, उससे बेहतर चीज़ और हो ही नहीं सकती। देखो मेरे को भी नहीं मालूम कि आज के टाइम में कौन सबसे पावरफुल इंसान है, कौन सबसे अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। हमें नहीं जज करना किसी को, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी तरफ से 100% देकर अच्छा बनना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू फॉर आवर लाइफ। उसी तरह से एक नया रेजोल्यूशन मैं अपने लिए लेकर आ रहा हूँ 2020 में। मैं जो भी करूँगा अच्छे से करूँगा, बिना किसी फिक्र के करूँगा। आने वाला वक्त क्या कहेगा, या फिर बीता हुआ मेरा पल क्या हुआ है मेरे साथ, वो दोनों चीज़ें भूलकर, वो दोनों चीज़ें की परवाह ना किए बिना मैं आगे बढ़ता रहूँगा। प्रेजेंट दिस मोमेंट को मैं जीता रहूँगा, अच्छे से निभाऊँगा अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी मैं एक्शन ले सकता हूँ अपनी लाइफ में, जितनी भी मैं मदद कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। इस लाइफ के अंदर मैं फ़िलहाल मैं कैनेडा के अंदर हूँ, कोशिश करूँगा मैं अपने लिए और अपने देश के लिए और अपने फैमिली के लिए और अपने जितने भी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं, मुझे जितने भी लोग जानते हैं,
जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आप सभी सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मैं इतना ही कहूँगा कि लाइफ बहुत अमेजिंग होने वाली है अगर आप इसे अच्छे से देखो, इसे अच्छे से जान पाओ। ज़्यादातर लोग नहीं इनकरेज करेंगे आपको यूट्यूब पर आना। यूट्यूबर्स जितने भी सक्सेसफुल हैं वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल कोच हैं, जैसे कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो अपनी लाइफ में, खुद के बलबूते पे, खुद की इंडिपेंडेंस पे, खुद तरीके से सेल्फ एजुकेशन लेकर। ये आपको सिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट है, एजुकेशन है, सेल्फ एजुकेशन। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो जिस इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो, वो ही तरीका है सेल्फ एजुकेशन का। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं होगा देखने का, सुनने का, तो किस तरह से आप कह सकते हो कि आपके अंदर क्षमता है सीखने की, एजुकेशन पाने की। जितने भी लोग, अगर आप सीखते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं दूसरों को, वो एक एजुकेशन का ही पार्ट है। हम क्या एजुकेट हो रहे हैं अपनी लाइफ में और क्या नहीं हो रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगा इस नए साल पर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा आप सभी को मेरे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और कोशिश करें कि मैं जितना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उतना ही आप लोग करें। ज़्यादातर लोग शुरू नहीं कर पाते ये सब काम, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपनी तरफ से 100% दो, ना सोचो ज़्यादा कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, और बस करते चले जाओ। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, मैं हमेशा कहता रहूँगा, ग्राउंड लेवल से शुरू करो, ज़ीरो से। देखो, मैं फ़िलहाल एक सिंपल सी जर्नी शुरू कर रहा हूँ। कनाडा के अंदर मुझे 2 साल हो चुके हैं लगभग। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। 2020 से मेरी जर्नी और भी बेहतरीन होने वाली है, और भी अच्छी होने वाली है, और मैं भी नहीं जानता कितनी अच्छी होने वाली है। आई एम गोइंग टू rock this world, I am going to win this game, I am going to just enjoy the game of making this a successful journey of my life. I hope you will too.